उदयपुर संभाग के सबसे बड़े चिकित्सालय महाराणा भोपाल चिकित्सालय में प्रतिदिन हजारों की संख्या में लोग इलाज के लिए आते हैं। वहीं अस्पताल में पिछले लंबे समय से सीवरेज का पानी से मरीज और उनके तीमारदारों को बड़ी परेशानी उठानी पड़ रही है। यहाँ एक तरफ चिकित्सा विभाग और स्वास्थ्य विभाग स्वच्छता की बात करता है और यहाँ अस्पताल के ब्लड बैंक, महिला पन्नाधाय आउटडोर, सेंट्रल लैब और यहाँ तक कि खाद्य सुरक्षा विभाग कार्यालय के बाहर भी सीवरेज का पानी बड़ी तादाद में सड़कों पर आ रहा है, जिससे पास से गुजरने वाले मरीज और उनके तीमारदारों को सीवरेज के पानी से होकर गुजरना पड़ रहा है। जहाँ एक तरफ इन दिनों मौसमी बीमारियों का प्रकोप बढ़ रहा है, वहीं दूसरी ओर सीवरेज के पानी और उसमें पनपते मच्छरों से बीमारियां बढ़ने का संकेत है। कई दिनों से इन परेशानियों से बड़ी संख्या से मरीज परेशानियों का सामना कर रहे हैं। इस संबंध में जब अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर आर एल सुमन से बात की तो उन्होंने कहा कि कई समय से यह परेशानी चल रही है और हॉस्पिटल का भवन काफी पुराना होने की वजह से सीवरेज की लाइन चौक हो जाती है। वह भी हर 10 दिन में इन लाइनों को सही करवाते हैं। साथ ही अस्पताल में कई दिनों से नए भवनों के कार्य होने से लाइनें चौक हो रही हैं और जल्द पूरी तरह से राहत मिलेगी। देखिए, सीवरेज का पानी जगह जगह ब्लॉकेज हो जाता है, ये मैं मानता हूँ कि जब अस्पताल में इन दिनों प्रॉब्लम है और हम रोज इसको टीम लगा करके खुलवाते हैं। और मैं कहना चाहूँगा कि महीने के अंदर 10-15 बार तो हम नगर निगम से जेटी भी बुलाते हैं। समस्या क्या है कि ये बिल्डिंग पूरा अस्पताल पुराना 60 साल पुराना अस्पताल है, जिसकी लाइनें जमीन के नीचे जो थी वो काफ़ी बहुत डेवलपमेंट की और उसके चक्कर में बहुत सारी चीज़ क्षतिग्रस्त हो गई हैं। चूहों के कारण से बाकी लाइनें सारी ज़्यादा टूट गई हैं, पर हमने स्मार्ट सिटी के तहत हमारे यहाँ पे एसटीपी का कार्य प्रगतिशील है और वो जल्दी हमारी एसटीपी बनकर तैयार हो जाएगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ अगले आने वाले 6 महीने के अंदर हमारी इस समस्या का समाधान हो जाएगा, पर तब तक हमें जो पुरानी टूटी लाइन पे उस पर काम करते रहना है और हम उसको कोशिश करते हैं कि इसमें कोई दिक्कत नहीं आए तो हम उसको खुलवा रहे हैं।